सुबह क्या खाया था? काली गोभी। और रात में? काली गोभी। और क्या खाएं? साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही बनाई है। घर पे टनों टन फेंक गए हैं किसान, चार पुश्ते खाएंगी। हंस क्यों रहे हैं आप? नहीं मैं तो बस नहीं 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 पूरी जिंदगी निकल गई हमारी रसोई में। पहले तो कभी ना हुआ ऐसा। आज कोई भी ऐरा गैरा डॉक्टर आके हमारे हमारी रसोई के बारे में सवाल उठा लेगा। मैं भी है, अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? और अगली बार ना अपना खाना खुद ही बनाना सबके सब। कमन भाभी आपको थोड़ी ना कोई कुछ बोल रहा है। डॉक्टर साहब देखो किचन में सारी औरतें मिलकर खाना बनाती हैं, तो फिर गलती भी तो सबकी हुई ना। डॉक्टर साहब हमारी गलती ना है, काली गोभी की है। दो हफ्तों से पूरा परिवार वही खा रहा है बस। तेरी बेटी का ब्याह है, तू इतनी दुल्हनिया मत बन चंपा। क्या गलत कह दिया दीदी? डॉक्टर साहब बिस्तर पर करवट बदलो तो चमन चाचा नहीं काली गोभी पर हाथ पड़ता है, ये तो हाल है। देखिए ये तो आपका निजी मामला है। नहीं नहीं नहीं, इतने परेशान हो तो दूसरा घर ढूंढ लो ना। हा? उम्र गुजर गई सबको पालते पालते। आपने पाला है? सुबह 4 बजे उठते हैं हम, बाल्टियां भर भर के टंकी में डाली है 35 साल से। रसोई सब कुछ नहीं होता दीदी। पाइप लगा लेंगे जब तुम सब लोग चले जाओगे, टंकी अपने आप भर जाएगी, चिंता ना करो। पाइप की औकात है इस घर में हमारी? भाई साहब ने अगर चमन चाचा को भी वकालत करने दी होती ना तो आज हम भी टंकी होते। फेल हो गया था चमन वकालत में, हमने न रोकी किसी की पढ़ाई। क्यों फेल हुआ था चमन? क्यों फेल हुआ था चमन चाचा? आउट ऑफ कोर्स। अम्मा ने अगर बचपन में भाई साहब की तरह चमन चाचा को भी बादाम खिलाए होते ना तो चमन भी फेल ना होता। अरे जो हर झगड़ा जो है वो मेरी डिग्री पर ही क्यों आ जाता है इस परिवार में? टंकी ना बनी, नौ टंकी बन के रह गई तेरी चंपा। अरे हमें तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब तेरी शादी में इसके घर वालों को चुपके चुपके आमलेट खाते देखा था। डॉक्टर साहब ऊपर से प्योर वेज और अंदर से अगेन भाभी आप। अरे मम्मी बेसन का चीला था वो, आमलेट नहीं था। 35 साल से सब यही सुना रहे हैं। सबको हमारे व्याह में नीस्ती डालनी होती है, कोई चाहता ही नहीं ना हम लाइफ में आगे बढ़े। गॉगल हटो। भाभी वो तो छोटी है, आप तो बड़े हैं थोड़ा सा। तू चुप कर, चमन न रहा तू, चंपा के जूड़े की चमेली बन गया है, चोरू का गुलाम कहीं का। होम्योपैथी या एलोपैथी? एलोपैथी। ठीक है एलोपैथी लिख देता हूँ। फिर देखिए वैसे तो सब विश्वास की बात है, आप एक काम कीजिए ये दवाई मंगवा लीजिए बाहर से अभी। हाँ हाँ मतलब? अरे टेंशन मत लीजिए, ट्रेन यहाँ 15-20 मिनट रुकेगी, वो आगे मोर्चा चल रहा है ना। तब तक आप ऑमलेट चीला वीला खाइए। अरे नहीं नहीं आपका काली गोभी वाला मोर्चा नहीं, और भी गम है जमाने में त्रिपाठी जी। चलिए अब आप उठ ही गए हैं तो बाहर टहल लीजिए थोड़ा, ठीक है? चलिए मैं निकलता हूँ। चलिए चलिए।